पे बंदर चढ़ गया देखो। नहीं नहीं मायो। ओहो हैरान कर रखा हाँ। मायो मेरे मैं तू चढ़ गई है कहाँ है कहाँ करी है ओहो ऐ छोड़ो ऐ सुरली बेटा ओह तू कहाँ करी है काम छोड़ दो ऐ छोटू आएगा तो करेगा हाँ मामा कब करेंगे करेंगे ओह जब आएगा तब करेगा ऐ तू छोड़ दे ऐ बेटा नई नई शादी हुई है तुम्हारी और दामाद जी भी है भूखा कहते हैं ब्याह के आए हैं घर में वो बन के वो क्या कहते हैं उसे का हाँ जो घर में रहता है घर के सारे काम करता है नौकर कहाँ बनेंगे दामाद जी हैं वो नहीं बेटा वो क्या कहते हैं वो होता है आह दूध का दही बनाते हैं क्या कहते हैं हैं दही दूध जमा जमा के बनाते वही तो कह रहा है आओ समझ में नहीं आ रहा है जमाई घर जमाई बन के आए हैं हैं दामाद जी आएंगे तो क्या कहेंगे हैं अपनी बेटी से इसे काम करा रही है चलो उतरा उतरा नीचे आ जाओ जाओ सुरली बात मानो बेटा हाँ सुरीली अरे अरे ओ, 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 अरे सुरीली बिजी जी चोट तो नहीं लगी ये नहीं नहीं लेकिन सुरीली हमको लगी है हाँ बिजी जी कहाँ दिल पे है वो भी डीपली घुस के तुमको पता है तुम्हारे प्यार में हमें क्या क्या सहना पड़ रहा है क्या 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 लल्लन जी मिले थे रास्ते में घटिया शायरी सुना दी हमारी तुम्हारी लव स्टोरी के ऊपर हाँ? कहने लगे जो ना खाए खीर मलाई हाँ? वो क्या जाने प्रीत लुगाई सुरीली तुम हमारी मलाई कब बनोगी यार बीजी जी थोड़े दिन मामा है बेटा देखो ये जो लगी नहीं पापा कसम डीपली घुस के लगाई गई है सुरीली तुम बैठो तुम्हें चोट लगी तुम बैठो यार हम बताते हैं हमको पता है ये सब साजिश है हमारे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है हाँ बोरा गए पापा कसम जो आपके कहने पे हम घर जमाई बन गए अरे रोज हम देखते हैं हमारी कोमल जैसी जो वाइफ है उसके साथ आप कितना अत्याचार करती नौकरो टाइप बिहेव करती कितना काम कराती हैं आप बीजी जी चुप सब कुछ नहीं हुआ सब ठीक ठीक है अरे कुछ कैसे नहीं हुआ सुरीली हम जानते हैं या तुम जानती हो पापा के साथ सही टाइम पे अगर हम आके तुमको कैच नहीं करते तो तुम LBW आउट हो जाती और इनकी साजिश पूरी हो जाती बिल्कुल आप साजिश रच रही हैं और पापा कसम अब जो हम कह रहे हैं आप डीपली घुस के सुनिए हमारे और सुरीली का गौना करिए और सुरीली को यहाँ से विदा करिए हम एक सेकंड के लिए सुरीली को इस घर में नहीं रख सकते सुरीली आओ अंदर चलो तुमको आराम की जरूरत है आओ आओ हटिए जरा सा हो गया मुस्लिम बोली देखा कहा बकला नहीं कर रहा है दामाद जी हाँ बोरा का है का धूप भी बड़ी तेज है कुछ कह नहीं सकते हाँ यार हमें पता है सुरिया आराम से देखो दामाद जी देखो सुनो हट जाओ हम लेप लगा देते हैं है। समझ नहीं आ रहा है तुम लोगों का गाना नहीं हुआ है सट के बैठने की जरूरत नहीं है चलो हटो हटो हम लगाते हैं है। पापा कसम आप तो हमारे जले पे नमक और मिर्चा लगाइए किसने लगाया नमक मिर्ची है पापा कसम कितनी बार कहा है आपसे सासू माँ को सुरीली को हमारे घर भेज दीजिए यहाँ पे सुरक्षित नहीं है वो हमारे घर जाएगी तो सुरक्षित रहेगी हम उसके बॉडीगार्ड बन के उसकी रक्षा करेंगे अच्छा मतलब दूध बिल्ली के भरोसे छोड़ दें वैसे बिल्ली के भरोसे दूध तो पिताजी छोड़ते थे और हर बार बिल्ली दूध पी जाती थी चुप करो कहाँ पकड़ नहीं कर रहा है कहाँ गया था तू तू बाहर चला गया हम घर के अंदर आ गए देखो सुरीली के पाँव में चोट लग गई और दामाद जी क्या कह रहे हैं हमारी वजह से चोट लगी है बताओ देखिए हम कुछ नहीं जानते हम सिर्फ डीपली घुस के इतना जानते हैं कि सुरीली यहाँ पे सुरक्षित नहीं है उसको हमारे घर पहुँचाया जाए भाई घर तो पिताजी को पहुँचाया जाता था जब वो नाले में लुढ़क जाते थे चुप करो दामाद जी शांत हो जाइए जब तक सुरीली के बापू लापतागंज नहीं आते हैं गौना तो नहीं होगा हमको तो खुद को जल्दी सुरीली अपने घर चली जाए तुम्हारी अमानत हमारे पास है अमानत हम लौटाएंगे नहीं का अरे कब लौटाएंगी पापा का सब जब हमारी जमानत जब्त हो जाएगी है
भाई जमानत तो पिताजी की जब्त होती थी जब चुनाव में उन्हें एक भी वोट नहीं मिलता था, क्योंकि वो दुनिया को जानते थे और दुनिया में उन्हें कोई नहीं जानता था। पापा कसम, अब आप सब लोगों की जमानत जब्त होगी अगर आप लोगों ने जल्दी से सुरीली को हमारे घर हमारे साथ विदा नहीं किया तो। का मतलब हुआ हाँ? हाँ, काट डालो, इतने काटे हैं एक और सही। कोर्ट कचहरी की चिंता मत करो तुम, हम सब संभाल लेंगे। चलो ई का साहब, एक चाय 100 का नोट। अरे रख लो, हिसाब किताब बाद में करते रहना, अब तो इस गांव में आना जाना लगा रहेगा। ये कौन हैंगे भाई? आजकल लापतागंज के बहुत चक्कर काट रहे हैंगे। का कह रहा था, काट डालो। अलीजा, हमको तो लगता है ये टेलर है, तुम्हारा धंधा बंद कराने आया है लापतागंज में। अबे पापा कसम, एक नंबर के छिचोरे आदमी हो तुम। यहाँ मामा और मौसी जाल में हम फंसे जा रहे हो, तुम हंसे जा रहे हो, चरनियती। अरे भैया, हम आप पे थोड़ी हंस रहे हैं। आजकल आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरी दुनिया आप पे ही हंस रही है? अरे गुड्डू, ये सावन के अंधे हैंगे, आजकल इनको हर तरफ सुरीली सुरीली दिखती हैंगी, जैसे हमको हर तरफ रानी ही रानी दिखती हैंगी। अरे बीजी पांडे, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैंगे। ऐसा अलीजा भाई, पापा कसम आपकी शादी नहीं हुई है तो ये हाल है। हमारी शादी हो गई है, हमसे पूछिए हमारे ऊपर क्या बीत रही है। बीच समंदर के अंदर खड़े हुए हैं, प्यास लगी है लेकिन पानी नहीं पी पा रहे हैं क्योंकि समंदर का पानी खारा है। मन तो करता है कि पानी में आग लगा दें ताकि दुनिया वालों को हमारी तकलीफ का एहसास हो। भाई आग तो पिताजी लगाते थे, वो भी गीली लकड़ी में, जब अम्मा उन्हें चूल्हा जलाने को कहती थी। भाई बात थी पिताजी में, फिर अम्मा उसी चूल्हे पे गर्मा गर्म रोटियां सेकती थी और हम उन रोटियों पे नमक और मिर्च छिड़क कर खाते थे। पापा कसम मामा, आप हमारी लव स्टोरी को चूल्हा समझ के आग न लगाइए, और आप ये रोटियों पे नहीं हमारे घाव पे नमक मिर्च छिड़क रहे हैं। इतना गुस्सा भी ठीक नहीं बीजी भैया, मन को थोड़ा शांत रखा करो। अरे कैसे मन को शांत रख ले चौरसिया भाई, पापा कसम ये जो हमारे मम्मिया ससुर हैं, इन्होंने हमारा दिमाग का दही बना दिया है, और जो हमारी सासू माँ बैठी है वो दही को मत मत के रायता बनाने में तुली हुई है। अरे बीजी पांडे, दिमाग को शांत रखने के लिए योगा किया करो, शांत भी रहोगे और गुस्सा भी कम आएगा। वही है, योगा तो पिताजी किया करते थे। क्या योगा करते थे, वह योगा करते हुए पिताजी एकदम बाबा कामदेव लगते थे, और हमेशा अपने भक्त जनों से कहते थे कि योगा से ही होगा। अरे तो कुछ हुआ मामा? हम हुए ना, और फिर हमने भी योगा करना सीख लिया, इसीलिए तो अभी भी जवान के जवान हैं। लेकिन ये करते कैसे हैंगे? अभी बताते हैं, आओ चलो इधर आओ, आओ बैठो यहां बैठो। हाँ अभी बैठे रहो, सब लोग देखो ठीक से। एलिजा अब तुम पैर ऊपर मोड़ो और पालती मार के बैठ जाओ, ऐसे। हाँ ऐसे, और ऐसे सीधे हाथ रखो इस पर, ऐसे। अब आंखें बंद करो। हाँ, अब जोर से सांस खींचो और उस सांस को अंदर ले लो, ऐसे। भक्त जनों देखा, योगा करना कितना आसान है, और इसका नाम है कपाल भाती योगा। इसके करने से मन और तन दोनों शांत रहते हैं हमारी तरह। आज से 100 साल पहले हमारे पिताजी ने इस योगा की शुरुआत की थी और पूरी दुनिया को सिखाया था योगा, मानव जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाने के लिए पिताजी ने अपना पूरा जीवन योगा सिखाने में लगा दिया। पापा कसम, हमको तो लगता है योगा के चक्कर में सुख समृद्धि और शांति के साथ साथ जीवन भी छिन गया लीजा भाई का। पानी डालिए। मामा,
तुम एक नंबर के घटिया योगा मास्टर हैंगे। सांस ऊपर करा के छोड़ दिया। अरे माफ कर दो अलीजा, वो क्या है कि हम पिताजी के किस्सों में इतना खो गए थे, इसीलिए तुम इतना सो गए थे। क्या बात है सुतीलाल, एकदम परेशान हो, पिचके हुए पपीते जैसे दिख रहे हो। अरे का बताए, बड़ा अनर्थ हो गया। चाय की केतली के अलावा एक इज्जत ही थी हमारे पास, वो भी चली गई। अरे का हो गया बहनों जी? अरे अब किस मुंह से बताए। पापा कसम सारी कहानी इसी मुंह से बोले और अब इसी मुंह का पता पूछ रहे हो। अबे इसी मुंह को खोलो और बोलो। अरे का बताए बिजी भैया, वो जो कतरू ने हमें बकरी दी थी 2 दिन रखने के लिए, वो कहीं गायब हो गई। हमको तो शक है कि वो बकरी कोई चुरा ले गया। भाई बकरी तो पिताजी चुराते थे और उसका दूध दूके उसे छोड़ देते थे। भाई ये रास्ते बकरी जानती थी क्योंकि वो मैं करती थी और कुछ नहीं बता पाती थी। लेकिन कतरू की बकरी पिताजी नहीं चुरा सकते क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ नहीं सकते। पर बकरी चोरी हुई है तो किसी ने तो चुराई होगी। अरे अब जिसने भी चुराई हो, पर अब हम कतरू को का मुंह दिखाएंगे। अरे सुतीलाल कह देना उसे कि संभाल के रखी थी, कोई चुरा ले गया हैंगे तो हम क्या कर सकते हैंगे। अरे कहना बहुत आसान है, अब उसकी अमानत हमारे पास थी, अब तो वो यही समझेगा कि हमने अमानत में खयानत कर दी। अब हम जिंदगी भर उसके सामने नजर नहीं उठा पाएंगे। अब वो कल शाम को आएगा तो हम का कहेंगे, यही कि तुम्हारी अमानत हम नहीं संभाल सके। अमानत? हमको तो खुद को जल्दी है, सुरीली अपने घर चली जाए। आ तुम्हारी अमानत हमारे पास है, अमानत हम लौटाएंगे नहीं का? हाँ अबे गुड्डू इधर आना। क्या भैया? अबे गुड्डू हमको लगता है अमानत में खयानत करने का टाइम आ गया है। हाँ? हे बजरंग बली, हे पवन पुत्र, हे फ्लाइंग गॉड, पापा कसम आज ये आपका भक्त डीपली घुस के बहुत परेशान है और आप डीपली घुस के हमारी सारी परेशानी जानते हैं क्योंकि आपको सब पता है। बजरंग बली हम जो करने जा रहे हैं ये गलत है, लेकिन पापा कसम हम ये भी जानते हैं कि हमारी और सुरीली के फ्यूचर के लिए इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा है। बजरंग बली अब चाहे इस पाप के लिए हमें यमराज मरने के बाद हमें गरम गरम तेल में डाल के हमारे गरम गरम पकौड़े क्यों ना तल लें, लेकिन हमें फिर भी ये करना ही पड़ेगा। बजरंग बली आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? हमको आशीर्वाद दीजिए बजरंग बली, हमको आशीर्वाद दीजिए। टीका सही लगा? अब बता भी दो ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे दिल की धड़कनें हमको खतरे का सिग्नल दे रही हैं। अबे गुड्डू बस अब ये समझो कि हमें बहुत बड़े युद्ध पे जाना है। बे भैया हमको ऐसे कहाँ लग रहा है जैसे बकरे को बलि से पहले टीका लगाते हैं, वैसे ही आप हमको टीका लगाकर बकरा बना रहे हो। बताओ ना भैया। अपना कान इधर लाओ। नहीं। हाँ बे गुड्डू। नहीं भैया। हाँ यार। नहीं भैया ये कैसे हो सकता है? अबे ऐसा ही होगा गुड्डू, हमें करना ही पड़ेगा। भैया ये हमसे नहीं हो सकता। अबे गुड्डू तुम्हें हमारी कसम है बे। नहीं। हाँ यार गुड्डू पापा कसम, अगर हमने ये नहीं किया तो गोने के इंतजार में बुढ़ा जाएंगे बे। भैया एक बार फिर से सोच लीजिए। अबे सोच लिया गुड्डू, पापा कसम डीपली घुस के सोच लिया बे। गुड्डू एक बात बताया तुमको, अगर घी टेढ़ी उंगली से भी ना निकले तो घी के डिब्बे को गरम करके घी को पिघला लेना चाहिए ताकि घी आराम से निकल जाए बे। अबे मौसी को समझाने के लिए इससे बढ़िया रास्ता और कोई नहीं है।
हे प्रभु, ये आप हमको कहाँ फंसा रहे हो? भैया अपना डिब्बा गरम करने के चक्कर में कहीं हमारा डिब्बा गोल न कर दे। अबे गुड्डू, कैसे दोस्त और भाई हो तुम हमारे बे? अबे छिचोर पंती की हद कर दी तुमने यार। एक भाई वो थे भगवान लक्ष्मण, जिन्होंने भगवान राम के कहने पे सीता मैया वन छोड़ के आ गए थे बे, और एक तुम हो, हैं? हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते तुम? भैया वो भगवान की इच्छा थी। अबे तो ये कोई भिक्षा नहीं है, ये भी भगवान की इच्छा है, वो भी डीपली घुस के। पर भैया ये पाप करने के बाद हम ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे और उसकी मार कैसे सहेंगे? और वो भी छोड़िए, अगर दुनिया जी को हमारे इस कांड के बारे में पता चला तो आपका घर बसे न बसे हम और हमारा घर जरूर लुट जाएगा। अबे लुट तो तुम वैसे भी जाओगे अगर तुमने ये पाप नहीं किया तो, समझे कि नहीं? वो कैसे भैया? वो ऐसे के पापा कसम हमारे हाथों से पिटोगे, वो भी लातों और घूसों के साथ। तो अब तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें हमारी मार खा के मरना है या मरने के बाद मार खानी है। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई और तीसरी तरफ है लुगाई, यानी हमारा मरना निश्चित है भाई। ठीक है भैया, हम आपकी मदद करेंगे, मरने से पहले किसी का तो भला कर जाए। अबे गुड्डू, पापा कसम इसको कहते हैं दोस्त और भाई। अब यार हम तुम पे बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना चाह रहे हैं गुड्डू, लेकिन अब तुमने ये डिसाइड कर लिया है तो करना ही पड़ेगा, है? पापा कसम हमारे और सुरीली के फ्यूचर के लिए अब हमें अपने दिल पे डीपली घुस के पत्थर रख के सुरीली का करना पड़ेगा किडनैप। पापा कसम ये तो टेंशन हो गई बे, कौन सासू माँ है कौन सुरीली है समझ में नहीं आ रहा यार। भैया समस्या तो है, क्या करें? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.